जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो SSC JD 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपको वीडियो एंड तक देखना है और फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, मेरिट में भी और मेरिट से पहले भी। आपको पता है, इस बार जब SSC JD का रिजल्ट आया उससे कुछ दिन पहले, मतलब उसके एक महीना डेढ़ महीने पहले, ऐसे रिजेक्शन लेटर गए हैं लोगों के घर पे जिनकी नींद उड़ गई है। ऐसे लड़के हैं जिनके 95 नंबर है, 99 नंबर है, 98 नंबर, 91 नंबर लड़के लड़कियां हैं जिनका हुआ यह है कि लास्ट में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनका रिजेक्शन कर दिया गया और आपको पता है 260 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट रोक लिया गया है। अब उनका जो जिनका रिजल्ट रुका है उनमें से आप मान के चलिए पूरे के पूरे वेरीफाई नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा उनमें से रह जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप भी SSC JD की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से देखना वीडियो को ताकि ये गलतियां आप ना करो जो गलतियां उन लोगों ने की है। उनकी गलतियों से ही आप सीख लो, आपके लिए बेटर रहेगा। आप खुद ठोकर खा के सीखोगे, आपके लिए बहुत नुकसान। आपको पता है SSC JD की वैकेंसी कंप्लीट होने में, पूरी वैकेंसी कंप्लीट होने में 2 से 3 साल का समय वक्त लग जाता है। 2 साल तो नॉर्मल है। अगर आपने अभी गलती की, आपको 2 साल बाद में अच्छे पेपर है, आपके अच्छा मेडिकल हो गया, लास्ट मेरिट के बाद में आपको पता चले कि आपका तो रिजेक्शन हो गया, आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया या आपका मेरिट में इस वजह से रह गए, एक छोटी सी गलती की वजह से, पोस्ट भरने के चक्कर में आप गलती कर दिया, पोस्ट कैसे भरें इस चक्कर में गलती कर दिया, या आपका जो फॉर्म फिलअप आप करते समय गलतियाँ कर दिया, डिस्ट्रिक्ट के कारण गलतियाँ कर दिया, स्टेट के कारण गलतियाँ कर दिया, डोमिसाइल के कारण गलतियाँ कर दिया, या जाति प्रमाण पत्रों की वजह से गलती कर दी, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपको मैं बता देता हूँ, पहले आप देख लीजिए ऐसे रिजेक्शन लेटर कम से कम मेरे पास 5500 रिजेक्शन लेटर आए हैं 2018 की वैकेंसी से, 5500 से ही ज़्यादा है ये तो, मैं मतलब मेरे पास है जिनको मैंने वीडियो भी बनाए इनके बारे में कि इतने रिजेक्शन लेटर आए और उसका रीज़न छोटा सा, अब वो कुछ नहीं कर रहे, रोने के अलावा उनके पास में और कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी गलती आप ना करना दोस्तों, इस प्रकार की गलती कतई नहीं करना। अगर आप भी SSC JD की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो इस प्रकार की गलती कतई नहीं करना। साथ ही बता दूं दोस्तों कि फार्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप SSC JD की अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपके पास में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जब तक आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा आपकी कैसी तैयारी है। इसलिए ये परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है इसकी और आप जाके ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसमें मेरा प्रमो कोड आप डाल सकते हो कमांडो 50, आपके लिए बहुत 50% डिस्काउंट हो जाएगा उसमें और आपको पता चलेगा रियल में SSC JD में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज है, लेकिन आप SSC JD की खरीदे, अगर आप SSC JD की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, आप ज़रूर जाइए और ख़रीदिए और अच्छे से तैयारी करिए। अब बता दूँ कि आपकी जो गलतियाँ होती है फॉर्म में वो कहाँ से शुरू होती है। देखिए दोस्तों, इस बार जिनको रिजेक्शन लेटर मिला, पहला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कास्ट, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, चौथा रोल नंबर और पांचवा जिनका रिजेक्शन मेरिट में रहा, चॉइस पोस्टिंग की वजह से भी उनका मेरिट में नंबर रह गया, वो कैसे रहा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट। होता क्या दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं कि उनका डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आ रहा, बॉर्डर एरिया में आ रहा, नक्सल एरिया में आ रहा है, जनरल एरिया में। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जनरल एरिया में आ रहा है, आपने नक्सल या बॉर्डर लिख दिया, तो जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी ना उस दिन आपको बार करेंगे, बार का रास्ता दिखा देंगे रिजेक्शन लेटर देके और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं ज़रूर आपको एक अलग से वीडियो बना के फिर बताऊंगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से में आता है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना फॉर्म भरते समय कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर उससे एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो 2 साल के बाद में जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी उस दिन लोगों की आएगी फाइनल मेरिट, आपका रिजेक्शन लेटर आएगा, ये 101% है। ना कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फार्म भरते समय कम से कम 10 बार चेक कर लेना डेट ऑफ बर्थ को। तीसरा, रोल नंबर। 10th क्लास के रोल नंबर में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक अंक भी इधर उधर हुआ तो आपके पास में रिजेक्शन लेटर पहुंच जाएगा, वो भी कब, पूरी वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद में, पहले आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये अच्छे से भरना, साइबर कैफे वाले के पास में बैठ के भीड़ का ध्यान नहीं रखना, अच्छे से भरना फॉर्म और फिर सबमिट करना। उसके बाद में रोल नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और 10th क्लास का जो रोल नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट और आपका नेम हो गया। इसके अलावा अब जो मेरिट में चॉइस पोस्टिंग होती है उसकी वजह से कैसे फॉर्म रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुए दोस्तों,
उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन मेरिट में वो लोग रह गए उनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी। हुआ क्या दोस्तों इस बार कि जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना कि वहाँ पर कौन से फोर्स की पोस्ट है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। कई बार आपके वहाँ पर CRPF की पोस्ट दी नहीं गई है, आप फर्स्ट हो CRPF कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है कि आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पर कौन से फोर्स है, जैसे SSB, NIA, SSF, CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, इनमें से कौन सी फोर्स की कितनी सीटें, ये नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से दिखाई जाती है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है पहले नोटिफिकेशन को, फिर आपको देखना है कि कौन सी सीट आपको भरनी है। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको अगर CISF की सीटें कम है तो वो मत भरो या BSF की सीटें ज़्यादा तो वो भर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीटें, लेकिन सीटें तो होनी चाहिए कम से कम। आपकी जो फर्स्ट आप चॉइस दे रहे हो उसकी सीटें नहीं, आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी नहीं आपको, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको फिर आपकी मेरिट के टाइम। तो इसलिए आप इसी समय जब फॉर्म भरते हो उसी समय आपको पहले देख लेना है कि आपके जहाँ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल की कितनी किस कैटेगरी की सीटें हैं, तो जितनी जिसकी सीटें हैं उसी हिसाब से आप फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फाइनल चॉइस दें, तो ये आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो इसलिए फॉर्म भरने में इस प्रकार की अगर आप गलती करते हो तो आप इस प्रकार की गलती करता ही नहीं करनी है, अगर कर दोगे तो आपकी 3 साल बर्बाद हो जाएगी दोस्तों, और फिर आपके पास में सिर्फ घुटनों में सर दे के रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये मान के चलिए 101% कि अगर 3 साल आपकी ख़राब हो गई आपके पास में, जो लोग रिजेक्ट हुए हैं अभी उनसे एक बार आपका मैं दिखा दूंगा उनके क्या हाल है, मेरिट से केवल 10 दिन पहले 5 दिन पहले उनका रिजेक्शन लेटर आया है, ठीक है। उसके अलावा हाँ एक चीज़ और, डोमिसाइल, मूल निवास फॉर्म भरने में भी उन्होंने गलतियां की है। जाति प्रमाण पत्र होता क्या है कि आप मान लो ST से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो, किसी से बिलोंग, अगर आप मान लो एज का रिलेशन लेना चाहते हो तो आप ST का, आप SC में और ST का अगर आपने लगा दिया, लिख दिया कि मैं ST में हूँ जबकि आप SC में हो, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और वो भी लास्ट में होगा कैंसिल, अभी नहीं, आपका मेरिट में दिखाता रहेगा, मेडिकल के समय दिखाता रहेगा, फिजिकल के समय दिखाता रहेगा, तो फिर वो बाद में जाके मिस्टेक होगी। एक फार्म भरने में ये चीज़ पहले देख लेना, आपके जो माता पिता का जो नाम है, जो फार्म है, या आपके खुद के नाम की जो मीनिंग है, वो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 10th क्लास के अकॉर्डिंग है, तो आपका सब कुछ डिटेल 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको फिर बाद में इसके चक्कर में ना पड़ना पड़े कि सर मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। इस वजह से आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें, अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, आपको एज रिलेशन चाहिए, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी का लगाना, जिस कैटेगरी से नहीं आते हो अगर गलती से भी उसका लगा दिया, मान लो आपने SC बोला, साइबर कैफे वाले ने ST भर दिया, तो फिर उसका कुछ नहीं होगा, आपको फिर वो रिजेक्शन लेटर झेलना पड़ेगा, और वो भी लास्ट में मेरिट के, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसीलिए जब भी फॉर्म भरने जाओ साइबर कैफे पर, ये जो मैंने बातें बताई इनका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे। जय हिंद।